हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटोर पर। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेनिस की। दोस्तों 2019 के अंदर टेनिस में जितने भी ग्रैंड स्लम हुए हैं, आज हम उन सब की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लम होते हैं, और अभी तक 2019 में तीन तरह के ग्रैंड स्लम खेले जा चुके हैं। तो आज हम वन बाय वन उन सब की चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, चार तरह के ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं। एक सबसे पहले साल के शुरू में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद खेला जाता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप लोग से। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियोस, हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियोस आप लोग को हेल्प कर रही हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपके एक लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी आपको प्रिपरेशन करा पाएँ और अच्छी कंटेंट आपको दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टेनिस। टेनिस 2019 में जितने भी चीज़ें हुई हैं, आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें तो हम बात करते हैं ये शुरू कब हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 14 जनवरी को और चला कब तक था, 27 जनवरी तक। ठीक है, कैटेगरी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है ग्रैंड स्लम में। ये साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लम होता है। आगे बात करते हैं ये किस सरफेस पे खेला जाता है। दोस्तों आप ये पिक देख पा रहे हो, इस पिक पे, इस सरफेस को हम कहते हैं हार्ड कोर्ट। इस तरह के कोर्ट पे, इस तरह के ग्राउंड पे ही ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की, आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला गया था उसकी लोकेशन क्या थी। तो दोस्तों ये मेलबर्न में खेला गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बात करते हैं वेन्यू, वेन्यू क्या था, तो ये मेलबर्न पार्क में खेला गया था। दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं आप, ये मेलबर्न पार्क है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एडिशन, और जैसे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन होते हैं, यूएस ओपन होते हैं, विंबलडन ओपन होते हैं, ये इनका एडिशन कौन सा था। तो 2019 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है इसका एडिशन था 107वां। दोस्तों एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये जो क्वेश्चन आपने देखा है सरफेस का कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस सरफेस पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल में किसने खिताब जीता, वुमेन सिंगल में किसने खिताब जीता, मैंस डबल में किन्होंने जीता, वुमेन्स डबल में किन्होंने जीता, मिक्स्ड में किन्होंने जीता, और भी आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मेंस डबल की, दोस्तों मेन सिंगल में हमारे किन्होंने जीता है, नोबाक जोकोविच ने। दोस्तों ये आते कहाँ से हैं, ये सर्बिया से आते हैं। दोस्तों ये पिक में आप देख पा रहे हो, ये है नोबाक जोकोविच। दोस्तों बात करते हैं अगर इन्होंने हराया किनको है, तो इन्होंने हराया है राफेल नडाल जी को। ये कहाँ से आते हैं, ये स्पेन से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वुमेन सिंगल की, वुमेन सिंगल में किन्होंने खिताब जीता है, तो ये जीता है नाओमी इशाका ने, ये जापान से आती हैं। दोस्तों ये फोटो में आप देख पा रहे हो, यही हैं नाओमी इशाका। दोस्तों एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जापान की वो कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आप याद रखिए। तो ये बन जाता है नाओमी इशाका, वो प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहली बार जीता है, और ये जापान के प्लेयर हैं, जापान की तरफ से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इन्होंने हराया किनको है, इन्होंने हराया है पेत्रा क्वितोबा को। दोस्तों ये चेक गणराज्य से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मेंस डबल की, मेंस डबल में किन्होंने खिताब जीता है, मेंस डबल में जीता है पीरे ह्यूज ने, जो कि फ्रांस से आते हैं, और इनके साथ कौन खेल रहे थे, निकोलस माहूत, ये भी फ्रांस से आते हैं।
दोस्तों बात करें आगे कि इन्होंने हराया किनको है। इन लोग ने हराया है हेनरिक कोंतिनेन को, जो कि फिनलैंड से आते हैं, और इनके साथ कौन खेल रहे थे, इनके साथ थे जॉन पियर्स, ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करें, आगे बात करें वुमेंस डबल की, वुमेंस डबल में खिताब किन्होंने जीता है, ये जीता है सामंथा स्टोसुर ने, ये ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, और इनके साथ कौन थी, इनके साथ थी झांग सुआई, ये चाइना से आती हैं। दोस्तों आगे बात करें कि इन्होंने हराया किनको है, तो इन्होंने हराया है क्रिस्टीना म्लोदेनोविच को, जो कि फ्रांस से आती हैं। आगे बात करें इनके साथ कौन खेल रही थी, इनके साथ थी टीमिया बाबोस, ये हंगरी से आती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करते हैं मिक्स्ड डबल की, मिक्स डबल की बात करते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने खिताब जीता है, तो ये राजीव राम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। इनके साथ कौन थी, इनके साथ ही बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि ये चेक गणराज्य से आती हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे बात करें हु वॉन मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल, वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है, तो वो हैं नोवाक जोकोविच। दोस्तों इन्होंने 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हु वॉन मोस्ट ग्रैंड स्लम टाइटल, वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लम अपने नाम किए हैं। दोस्तों वो हैं रॉजर फेडरर, इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लम खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों राफेल नडाल की भी बात करें तो उन्होंने 18 बार ग्रैंड स्लम्स अपने नाम किए हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन की सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फ्रेंच ओपन 2019। ठीक है दोस्तों बात करें कि ये कब से कब तक खेला गया, तो ये 26 मई से 9 जून तक खेला गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं एडिशन कौन सा था, तो ये 123वां एडिशन था। दोस्तों आगे बात करते हैं कैटेगरी क्या थी, फ्रेंच ओपन की कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है ग्रैंड स्लम में, ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लम होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सरफेस, ये किस तरह की सरफेस पे खेला जाता है, तो दोस्तों आप जैसे ये पिक में देख पा रहे हो, ये जो है ये सरफेस क्ले सरफेस, इसको क्ले बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है दोस्तों, हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये मिट्टी वाला होता है ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं कि लोकेशन क्या थी हमारी, फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला गया था, लोकेशन ये पेरिस में खेला गया था, ये फ्रांस के पेरिस में खेला गया था। दोस्तों पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। आगे बात करते हैं वेन्यू क्या था, रॉयल एंड हैरिस स्टेडियम, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है, रॉयल एंड हैरिस स्टेडियम। ठीक है दोस्तों अब आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल किन्होंने जीता, वुमेन सिंगल किन्होंने जीता, मेंस डबल किन्होंने जीता, वुमेन्स डबल किन्होंने जीता, मिक्स डबल किन्होंने जीता, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। दोस्तों आगे हम बात करें जैसे मेंस सिंगल की किन्होंने जीता है, तो ये जीता है राफेल नडाल ने, ये आते कहाँ से, दोस्तों स्पेन से आते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप याद रखिए कि कौन से प्लेयर कहाँ से आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। दोस्तों ये पिक में आप देख पा रहे हो, यही है राफेल नडाल। आगे बात करें वुमेन सिंगल की, तो वुमेन सिंगल में किन्होंने जीता है, ये हैं हमारे एस्ले बार्टी, ये कहाँ से आती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। दोस्तों ये पिक में आप देख पा रहे हो, यही हैं एस्ले बार्टी। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं हम मेंस डबल की बात करते हैं, मेंस डबल में किन्होंने खिताब जीता है, मेंस डबल में खिताब जीता है हमारा केबिन क्राबिड्स को, क्राबिड्स ने जीता है। दोस्तों इनके साथ कौन खेल रहे थे, इनके साथ थे एंड्रियास मीस। दोस्तों ये मिस नहीं है, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गई, ये MIES, ये मीस है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर हो गई। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि वुमेंस डबल में किन्होंने जीता है, वुमेंस डबल की अगर बात करते हैं तो ये टीम या बेबोस ने जीता है, और आगे इनके साथ कौन खेल रहे थे, इनके साथ थे क्रिस्टीना म्लादेनोविच। ठीक है दोस्तों ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मिक्स डबल में किन्होंने जीता है,
मिक्स डबल में जीता है लेटिसा चान ने, और इनके साथ कौन थे, इवान डोडिग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस और। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन मोस्ट ऑफ्टन, वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया है। दोस्तों बात करें तो ये है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अभी तक आज तक के इतिहास में 12 बार फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि राफेल नडाल जो है फ्रेंच ओपन के बादशाह हैं, वो जो कोर्ट होता है ना क्ले कोर्ट, उस कोर्ट के बादशाह हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन टू वॉन द फ्रेंच ओपन। सॉरी ये गलती हो गया कुछ, तो यहाँ पे इसका आंसर है एस्ले बार्टी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी वुमेन है, कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया है सबसे पहली बार, तो ये है एस्ले बार्टी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर प्लेड इन ग्रैंड स्लम। दोस्तों ग्रैंड स्लम में कितनी तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। दोस्तों हमने शुरू में बताया था टेनिस में चार तरह के ग्रैंड स्लम होते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन ओपन, फिर आता है यूएस ओपन। दोस्तों अगर इसमें अगर एक ओपन एक ग्रैंड स्लम की बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया या फ्रेंच ओपन हो गया, उसमें भी पांच तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पांच तरह के कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये देखिए पांच तरह के इस तरह होते हैं, जैसे मेन सिंगल हुआ एक, वुमेन सिंगल हुआ फिर दो, मेन डबल हुआ तीन, वुमेन डबल हुआ चार, और मिक्स डबल हुआ पांच। तो इस तरह से पांच तरह के कॉम्पिटिशन एक ग्रैंड स्लम में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी फ्रेंच ओपन की भी वीडियो, सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब हम बात करते हैं विंबलडन ओपन की, विंबलडन ओपन 2019 की, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ये कब से कब तक शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था। दोस्तों तो ये 1 जुलाई से 14 जुलाई तक खेला गया। आगे बात करते हैं इसका एडिशन कौन सा था, तो 133वां ये एडिशन था इस बार। 2019 में जो विंबलडन ओपन हुआ है इसका एडिशन था 133वां। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप पिक देख पा रहे हो ये एक ग्रास होती है, ये जो गेम खेला जाता है ग्रास पे खेला जाता है। जैसे आगे हमारा है ये जो की सरफेस कौन सी है, तो ये ग्रास सरफेस पे खेला जाता है, पिक में आप देख पा रहे हो। दोस्तों एक कैटेगरी कौन सी है, ये भी ग्रैंड स्लम की कैटेगरी है। आगे बात करते हैं लोकेशन, कौन सी लोकेशन पर ये गेम खेला गया था, तो ये विंबलडन लंदन में है, वहाँ पे ये खेला गया था। आगे बात करते हैं वेन्यू क्या था इसका, वेन्यू था इंग्लैंड का लॉन टेनिस क्लब। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो पिक में दोस्तों, ये इंग्लैंड का लॉन टेनिस क्लब है, यहीं पे ये गेम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि विंबलडन में मेंस सिंगल में किन्होंने अवार्ड जीता, वुमेन्स सिंगल में किन्होंने अवार्ड जीता, मेंस डबल में किन्होंने जीता, वुमेन्स डबल में किन्होंने जीता, मिक्स डबल में किन्होंने जीता, ये सारे बात हम अब करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों मेंस सिंगल की बात करें, मेंस सिंगल में किन्होंने अवार्ड जीता है, मेंस सिंगल में अवार्ड जीता है हमारे नोवाक जोकोविच ने, जो कि कहाँ से आते हैं, सर्बिया से आते हैं। दोस्तों ये पिक में आप देख पा रहे हो, यही है हमारे नोवाक जोकोविच, तो ये सर्बिया से आते हैं। वुमेन सिंगल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जीता है हमारा सिमोना हालेप ने, ये कहाँ से आती हैं, ये रोमानिया से आती हैं। दोस्तों ये पिक में आप देख पा रहे हो, यही है सिमोना हालेप। दोस्तों आगे बात करते हैं मेंस डबल की। दोस्तों मेंस डबल में हमारा किन्होंने जीता है, मेंस डबल में हमारा जीता है जॉन सेबेस्टियन कैबल ने। दोस्तों इनके साथ कौन खेल रहे थे, रॉबर्ट फराह खेल रहे थे। दोस्तों आगे बात करते हैं वुमेन डबल में किन्होंने जीता है, वुमेन डबल में जीता है हसी सुबेई ने। दोस्तों ये प्रोनंसिएशन थोड़ा टिपिकल है, आप देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, इनके साथ कौन खेल रही थी, इनके साथ थे बारबोरा स्ट्राइकोबा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मिक्स डबल की। मिक्स डबल में कौन खेल रहे थे, कौन थे जिन्होंने विंबलडन ओपन जीता है, इनकी बात करते हैं, तो इवान डोडिग और इनके साथ थी लेटिसा चान। ठीक है दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, ये विंबलडन ओपन में ये जो मिक्स डबल है
यहाँ भी इन्हीं दोनों ने जीता है, और जो फ्रेंच ओपन हुआ था ऊपर, वहाँ भी इन्हीं दोनों ने जीता था। देखिए आप, वहाँ भी इन्हीं दोनों ने जीता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, हम यहाँ तक कवर कर चुके थे, आगे बात करते हैं। विच ग्रैंड स्लम वॉज प्लेड फर्स्ट? दोस्तों सबसे पहला ग्रैंड स्लम कौन सा था जो खेला गया था? तो दोस्तों ये विंबलडन ओपन ही था जो सबसे पहले खेला गया था ग्रैंड स्लम में। ये हुआ था 1877 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। रिसेंटली नोबाक जोकोविच वॉन विच नंबर ऑफ हिज ग्रैंड स्लम टाइटल? दोस्तों नोबाक जोकोविच ने हाल ही में अपने कौन से नंबर का टाइटल जीता है? अभी हाल ही में इन्होंने विंबलडन ओपन जीता है, और वो कौन से नंबर का जीता था? दोस्तों 16वें नंबर का। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी तीन ग्रैंड स्लम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया। अभी एक ग्रैंड स्लम आना बाकी है जो कि अगस्त और सेप्टेम्बर में जाके वो खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों आज हमने गेम्स की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, कल से हम अवार्ड्स या फिर हेडक्वार्टर CEOs के बारे में वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, फोकस्ड होकर काम कीजिए, क्वालिटी पे बिलीव कीजिए। क्वांटिटी पर बिलीव करोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।